दोस्तों, इससे पहले कि मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूं या फिर कोई और टॉपिक छेड़ूं, मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और कुछ टिप्स कह लें आप जो आपको देनी है। वो ये है कि यार, कभी भी पहली चीज़ तो यह है कि कभी भी आपने कोडिंग से घबराना नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन अदर स्किल डैट यू कैन लर्न विद टाइम एंड प्रैक्टिस। और प्रोग्रामिंग इज़ अ लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ज़ुबान है जो कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एंड इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, ठीक है। जस्ट एनी लाइक एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह इसके अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, जिनको पढ़ करके आप इसे सीख सकते हैं। देखो यार, अगर मैं बात करूँ, उर्दू आपने सीखी, उर्दू आज आप समझ रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, या इंग्लिश आपने सीखी, कोई भी और लैंग्वेज सीखी ना आपने, तो किस तरह सीखी उसे? टाइम लगा आपको सीखने में, तो इसको भी सीखने में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर आपको छोटी सी एक बात कह के मैं आगे गुजरना चाहूँगा। यार देखो ज़रा, आपने उर्दू सीखी, किस तरह सीखी आपने? आपने मतलब ग्लास पकड़ा, एक पानी वाला ग्लास पकड़ा, पानी पीने के लिए आपने एक आला तलाश किया, आप एक ने गैजेट तलाश किया, उसे बोला ग्लास बोल दिया, ठीक है। इसी तरह आपने अपने घर को सेफ करने के लिए एक लॉक वगैरह जो सिस्टम यूज़ किया, उसे ताला बोल दिया, ठीक है। आपको पता चला आप सड़क से गुजर रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आपने पूछा किसी से कि ये क्या है, आपको पता चल गया ये गाड़ी है, या फिर आपने पढ़ा कहीं से, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सभी चीज़ों का पता चलता गया। इसी तरह जब सी सीख रहे हैं आप, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर ये चीज़ आपने समझ ली कि यार कभी भी सारी चीज़ों को एकदम से पता नहीं चलेगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ों का पता चलता जाएगा। देखो आपने कभी भी इस तरह तो नहीं ना कि आप हमारे, हाँ गलती पता क्या होती है, हम सी सीखना शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी और लैंग्वेज सीखना शुरू की, अब शुरू तो कर दी हमने, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, हम एक सारी कुछ अपना ऑनलाइन फॉर्म्स के ऊपर गए, या फिर हमने एक कोर्स यूट्यूब पे निकाला इसका, ठीक है, या फिर एक बुक खोली, सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें खोल के एक ही वक्त में शुरू कर रहे हैं सारी, ठीक है। तो इस तरह समझ थोड़ी आएगी, तो खिचड़ी बन गई दिमाग में, ठीक है। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ यार, आपने अपना उर्दू बोलना शुरू की, ठीक है, कभी इस तरह तो नहीं ना हुआ कि आपके अपना माँ अपने आपके घर में से किसी अम्मा या अब्बा ने आपको पकड़ा हो, ठीक है, और बैठ के एक ही दिन में कहा बेटा आज मैं तुझे अब तुझे उर्दू में हर चीज़ को बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगी कि किस तरह इसका नाम क्या है, इसे किस तरह बोलते हैं, ठीक है। आपने एक ही दिन में सीख लिया सारा कुछ कि इसे ये हमारा सिलेंडर है, ये फिर या फिर ये नलका है, ये सारी चीज़ें तो आपने एक दिन में नहीं ना सीखी, ठीक है, आपने क्या किया, आपको टाइम लगा। आज भी कई ऐसी चीज़ें जिनके नाम आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चीज़ों को पता चलता जा रहा है। इसी तरह ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग है इसी तरह बिल्कुल। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर बैठ जाओगे, यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही, तो याद तो पहले यार पहले चीज़ तो याद तो कोई चीज़ करनी नहीं है आपको, ठीक है। तो उसी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो समझ बहुत सारी चीज़ें होती है जो वक्त के साथ साथ आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो इसको लेकर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो क्या, यार आपको मतलब यू डोंट नीड टू बी अ मैथ एक्सपर्ट टू लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक्स हैं जो आपको अगर आते हैं तो काम चल जाएगा आपका, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगली बात जो है प्रैक्टिस की, ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिसिंग कोड द बेटर यू विल बिकम। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कोड की नहीं, सिर्फ जिस भी काम में चले जाएँ आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसका रिटर्न में उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आप उतने एक्सपर्ट बनेंगे। और डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, ठीक है, कभी भी गलती करने से नहीं घबराना है, ठीक है, एज दे कैन बी वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब आप गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे कि ये गलती है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना है। अगली चीज़ जो है सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट। जब कभी आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, आपको किसी चीज़ किसी पॉइंट पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यार आपका चैनल है ये, इसके नीचे आके कमेंट छोड़ दो, एक कोई नहीं रोकेगा आपको, आप बोलो यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आपके लिए हमने बकायदा, मैं अभी आपके लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ, फेसबुक का ग्रुप बना रहा हूँ, जहाँ पे एक्सपर्ट भी होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शेयर कर सकेंगे, वहाँ पे वो जो एक्सपर्ट होंगे जिन्होंने पहले से सीखी हुई है वो अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। आप जाएँ गूगल पे जाएँ या फिर फेसबुक पे जाएँ तो बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करें, आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। और बस यही चीज़ें यार, कभी आपने पहली चीज़ घबराना नहीं, ठीक है, और प्रोग्रामिंग को आप समझ लें, ये आप सीख रहे हैं ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है,
और आपको मैथ का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं। मतलब बोल रहे होते ना लोग, यार मेरा तो जो बैकग्राउंड है मैं मैथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो स्कूल से भागा मैथ से, तो आपने इधर कोडिंग में आप मुझे फंसा दिया, मैं तो कोडिंग कैसे करूँगा यार, मसला ख़राब हो गया यार। बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। और अभी मतलब इतना इजी प्रोसेस रहने वाला है यार, आप 10 वीडियो 15 वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगी कितना आसान है। आज तक मैं ऐसे ही डरता रहा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको मोटिवेट करेंगी कि यार कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, ख़ास तौर पर सी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं यार, ठीक है। और ये कोर्स फिर आपके पास आ गया, ये ज़िंदगी आसान कर देगा आपकी। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो, पिछली वीडियोस देखो, अगले वीडियोस देखो, रुको नहीं, ठीक है, चलते जाओ। एंड पे आप इस काबिल होंगे कि अपने सी प्रोग्राम लिख सके। बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।